इतिहास के पन्नों में कई प्रमुख घटनाओं को समेटे यह महोबा का सूर्य मंदिर बीते कई युगों का जीवंत साक्षी है। कहा जाता है कि महोबा का यह सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से भी प्राचीन है, जो चंदेला शासन काल में बनकर तैयार हुआ था। बुंदेलखंड में प्राचीन काल से सूर्य की पूजा का विधान रहा है। विशिष्ट शैली में निर्मित इस मंदिर के दर्शन हेतु आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महोबा खींचे चले आते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या कोणार्क सूर्य मंदिर के मुकाबले बहुत कम है, जिसका कारण है देश के तीर्थाटन मानचित्र पर इसकी उपस्थिति का न होना। एक आकलन के अनुसार कोणार्क मंदिर में जहां 25 लाख श्रद्धालु प्रति वर्ष आते हैं, तो वहीं महोबा में ये संख्या लगभग 12 लाख ही है। सैकड़ों वर्ष प्राचीन यह मंदिर समय के साथ अपना अस्तित्व भी खोता जा रहा है। आपको बता दें कि महोबा से दक्षिण में करीब 1.5 किलोमीटर दूर इस सूर्य मंदिर का निर्माण 850वीं सदी में राजा राहुल देव बर्मन ने कराया था। मंदिर की शिलाओं पर कई आकृतियां और लिपि अंकित हैं, जिन्हें आज भी स्पष्ट देखा जा सकता है। इस सूर्य मंदिर से लगभग 100 मीटर पहले एक सूर्य कुंड बना हुआ है। पानी से भरा यह कुंड 30 फीट गहरा है। इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। लोग इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं, जिसके लिए कुंड में नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है। परिसर में मां काली का एक प्राचीन मंदिर भी है। पुरातत्व अधीक्षक एएसी इंदु प्रकाश बताते हैं कि कोणार्क मंदिर और महोबा के सूर्य मंदिर में गहरा संबंध है। इतिहास के अनुसार 12वीं सदी में आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर पर आक्रमण कर इसे खंडित कर दिया था, जिसके बाद हिंदू राजाओं द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। पूर्व में खंडित किए गए इस मंदिर के अवशेष आज भी रहेलिया सागर तट तालाब के किनारे दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। यह भारत की अमूल्य धरोहर है। अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए इस सूर्य मंदिर को सहेजने की महती आवश्यकता है।